हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो हॉल। तो मैंने कुछ कुर्तियाँ ऑर्डर करी हुई थी, वो मुझे रिसीव हो गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। जो जैसा दिख रहा है, जो जिस रेंज का है, उस हिसाब से उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ। तो मैंने फर्स्ट कुर्ती ओपन कर ली है। कुछ सिंपल सी स्टेप की इनकी पैकिंग आती है नॉर्मल, और उसके बाद ये एक इस तरीके के पैकेट में आते हैं। और एक मैंने ये कुर्ती मंगवाई हुई थी, ये स्लीवलेस है। और यहाँ पर कमर में इसके बेल्ट के लिए है, और बेल्ट भी हमें इसके साथ प्रोवाइड करी हुई है। ये ये है इसकी बेल्ट, ये देखिए ये इसकी बेल्ट है। और इसके कपड़े की क्वालिटी ओके है, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट जो मैंने कुर्तियाँ मंगवाई हुई हैं, कोई भी सस्ती कुर्ती नहीं है, सभी के प्राइस ज़्यादा हैं। और ये देखिए, अंदर से इसका जो ये है, ये भी उन्होंने कॉटन का नहीं दिया हुआ है। मतलब कम से कम अंदर का तो, मतलब इनर तो कॉटन का रख लेते हैं, आउटर आपको जैसा देना है आप दीजिए, लेकिन इनर तो कम से कम कॉटन का दीजिए, क्योंकि इससे फिर रैशेस पड़ेंगे और फिर मतलब क्वालिटी नॉट गुड। ओके। और नीचे से कुछ इस तरीके का है, पूरा घेरा है इसमें नीचे। मतलब कपड़ों का साइज एकदम परफेक्ट देते हैं ये। हम चाहे फिर लार्ज मंगवाएं या फिर हम एक्सेल मंगवाएं, तो एकदम परफेक्ट साइज होता है। ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है साइज का, उस पर इंचेस आपको दिए होते हैं, आपको कितने इंच का मतलब सर्च करना है, तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं। बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक ठाक ही है ये, तो ये तो मुझे नहीं पसंद आई, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ। नेक्स्ट है ये ब्लैक ड्रेस, ये मुझे ठीक लगी। मतलब इसके कपड़े की क्वालिटी नॉट गुड, बट इसका जो लुक आ रहा था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसे तो मैं रखने वाली हूँ अपने पास। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस टाइप की है। अच्छे देखिए, ये है, और यहाँ से स्लीव्स के लिए है। और बैक पे एक चैन दी हुई है, ये कोई कुर्ती नहीं है, ये ड्रेस है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल घेरेदार ड्रेस है। और देखिए, इसकी क्वालिटी की बात करूँ, इसके कपड़े की, तो इसका कपड़ा कॉटन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो इसका कपड़ा है, बस इससे रैशेस नहीं पड़ेंगे हमारी बॉडी पे। हल्के में कपड़ा है, बट ओके है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इतना डिज़ाइन करके, इतने सुंदर तरीके से इसमें चैन वगैरह लगा के, और इसकी जो फिटिंग थी बाजू की, वो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने एक वीडियो भी शूट करी हुई है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, तो मैं तो इसे रखने वाली हूँ। और नीचे भी जो हमारी स्कर्ट है, ये उस पर इस तरीके से है, और ये बहुत सुंदर लग रही है पहनने के बाद।
तो एक कुर्ती ये थी, और नहीं सॉरी ये ड्रेस थी, और ये है एक और कुर्ती, ये भी मैं रखूँगी। ये इसका कपड़ा भी बिल्कुल, इसका फैब्रिक सेम फैब्रिक उसी की तरह है जो ब्लैक अभी मैंने आपको दिखाया था। ये बॉडी में इरिटेशन नहीं करेगा, बट कॉटन नहीं है ये, मैं आपको क्लियरली बता दूँ ये कॉटन नहीं है, ये चिकने कपड़े में है, बट ये आपको इरिटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास और भी इस टाइप के कपड़े हैं बट वो इरिटेशन नहीं करते हैं मुझे। तो ये देखिए, ये लॉन्ग कुर्ती है, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा घेरेदार कुर्ती है, आप देख रहे होंगे, अच्छा खासा इसमें हमें घेरा दिया हुआ है, और ये वैसे स्लीवलेस है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से स्लीवलेस है, और इसके ऊपर से फिर हमें ये दिया हुआ है बाजू के लिए, ये देखिए, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है, एकदम बहुत बढ़िया लुक आ रहा है इसे पहनने के बाद, मैंने पहन के देखी थी कुर्ती, बहुत सुंदर लुक आ रहा है, तो मैं तो इसे भी रखने वाली हूँ। और नेक्स्ट है ये चेक में कुर्ती है, और फ़ोटोज़ में मुझे देखने में लगा था ये चेक में है तो इसका कपड़ा कॉटन का होगा, बट नो, मेरे पास कोई भी कॉटन का कपड़ा रिसीव नहीं हुआ है, मतलब मैंने पैसे इतने ज़्यादा दिए और मुझे कोई भी फैब्रिक कॉटन का नहीं रिसीव हुआ है। ये भी एक चिकने कपड़े में है, और इसके कॉलर बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रहे हैं, मतलब चिकने कपड़े में कॉलर बहुत ऑड लग रहे हैं, बहुत अजीब है मतलब कपड़ा भी। और ये देखिए, ये समथिंग हमारी कोहनी तक ही आएगा, ये फुल स्लिप्स का नहीं है, और मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप की है, ये देखिए, ये भी इस टाइप की है फ्लोरम में, ये भी ब्लैक वाली ड्रेस की तरह ही है जो मैंने ब्लैक ड्रेस मंगवाई थी, बहुत ही अच्छा खासा घेरा दिया हुआ है कपड़े में, इन्होंने फैब्रिक में कंजूसी करी है, बट जो उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, जिस तरीके के शेप दिए हुए हैं, जिस तरीके के घेरे वगैरह दिए हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी हुई है, बहुत अच्छा खासा घेरा दिया हुआ है, और कमर में एक बेल्ट प्रोवाइड की हुई है, और बस आगे से इसके कुछ एक बटन्स हैं, ये देखिए, कुछ यहाँ पर बटन्स हैं फ्रंट पर, और नीचे नॉर्मल से स्कर्ट है। और मैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आपको अगर कोई भी कुर्ती पसंद आ रही हो आप वहाँ जाके ले सकते हैं, या फिर आपको ड्रेस पसंद आ रही हो तो आप जाके ले सकते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं आई, तो एक्चुअली मेरा काम था आपको बताना कि मुझे नहीं पसंद आई, बट अगर आप लोगों को पसंद आती है या फिर आप लोगों को देखना है कि किस टाइप की है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक है ये कुर्ती, ये देखिए, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में है, मतलब इरिटेशन का तो मतलब ही नहीं, कॉटन नहीं है, कॉटन बिल्कुल भी नहीं है कॉटन, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े में है, और बैक पे इसकी चैन दी हुई है, ये देखिए, बैक में इसकी चैन दी हुई है, और ये भी लॉन्ग ड्रेस है, ये देखिए, बस ये है कि हमारे ये पाँव के नीचे नहीं जाएगी, ये हमारे पाँव के ऊपर रहेंगी, जैसे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग है बट ये उतनी लॉन्ग नहीं है। तो ये देखिए, फ्रंट में इसके नॉर्मल नेक है, और बाजू में इसके यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है, बस इसमें मतलब इन्होंने वर्क बिल्कुल ही अच्छा नहीं करा हुआ है, जैसे मतलब इलास्टिक दी हुई है, जस्ट इसको छुपा देते, दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पर इलास्टिक लगी हुई है, मतलब फिनिशिंग नहीं है कपड़ों में, आप पैसा लगा लोगे बट फिनिशिंग नहीं मिलेगी कपड़ों में, तो ऐसे में पैसा लगा के फ़ायदा ही क्या है कि जहाँ आपको फिनिशिंग नहीं मिल रही है। तो इनमें से मैं कुछ कुर्तियाँ रखूँगी, और शायद मैं कुछ कुर्तियाँ रिटर्न भी कर दूँ, क्योंकि कुछ एक कुर्तियाँ तो मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लगी, बहुत ही मतलब अजीब है, बट हाँ, मैं मीशो से जब टी शर्ट्स ऑर्डर करती हूँ वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होती है, मतलब ना के बराबर ही ऐसा होता है कि मतलब मैंने उन्हें रिटर्न किया हो,
वरना मैं रख लेती हूँ। मतलब उनके कॉटन का फैब्रिक होता है और जो टी शर्ट का एक एक्चुअल फैब्रिक होता है उसी की वो टी शर्ट देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको पतले से कपड़े में दे दी या फिर बेकार दे दी, नहीं, जैसी होती है वो वैसे ही देते हैं। इसमें भी उन्होंने जैसा दिखाया था वैसा ही दिया है, बट मतलब प्राइस के हिसाब से कपड़े की क्वालिटी कम से कम अच्छी रखनी चाहिए थी उन्हें, वो बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे तो कुछ ही कपड़े पसंद आए और शायद ही अब मैं मीशो से ये कुर्ती की शॉपिंग करूँ, क्योंकि एक तो पता है मतलब मीशो वगैरह कुछ भी कोई भी ऐप खोलो ना तो लगता है देख लो क्या, मतलब कौन से कपड़े नए चल रहे हैं या फिर कोई पसंद आ जाए अचानक से तो फिर मंगाने का मन करता है, और फिर मंगा लो तो फिर अच्छे नहीं आते तो फिर अजीब लगता है, बुरा लगता है कि मतलब यार कोरोना के टाइम पे पहले बाहर जाके कपड़े लो, ऊपर से उसे सैनिटाइज करो, फिर धो के उन्हें पहनो, कहाँ होता है यार ये सब। परेशान हो जाते हैं यार ये देख देख के, फिर उसके बाद बेकार कपड़ा आए तो कहाँ अच्छा लगता है ना। तो शायद ही मैं अब कुर्तियाँ ऑर्डर करूँ मीशो से, अदरवाइज़ मैं सिर्फ टी शर्ट्स वगैरह ही ऑर्डर करूँगी, टॉप वगैरह। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की वीडियो, बहुत पका दी आप लोगों को। बस यही कहना था आप लोगों को, ये था मेरा मीशो हॉल जिसमें मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।